أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत शाह जमाल कादरी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और एक मुंह फट हिंदू फकीर का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन, हजरत शाह जमाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी एक नहायत साहिब करामत बुजुर्ग थे, और यही वजह है कि आपका दमदमा यानी मकबरा पर हजार हा अफराद हाजिर होकर अपनी दिली मुराद पाते हैं। जहां हजार हा आदमी आपकी हयात में आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे मुस्तफीद और मुस्तफीज हुआ करते थे, वहां बाद अज वफात भी आपका यही फैज जारी और सारी है। एक रिवायत सुनी है कि एक वक्त ये दरगाह और इसका इर्द गिर्द नहायत वीरान और गैर महफूज था। उन दिनों का वाक्य है कि मौजा इचरा के अराइयों के छकड़े वहाँ खड़े रहा करते थे। एक दफा चोर वहाँ बैलों और सामान को चुराने आ गए। रात का वक़्त था, जब वो बैल और सामान ले जाने लगे तो उनको कुछ सुझाई न देता था और वो अंधे हो गए। चुनाचे उन्होंने तौबा की, मन्नत मानी और फिर सब सामान वगैरह छोड़कर चले गए और तंदुरुस्त हो गए। नाज़रीन किराम, हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हजरात को ख्वाब में मिलते हैं और उनको हदायत भी जारी करते हैं। मस्जिद के गुम्बद की तामीर से पहले एक शख्स को ख्वाब में आकर तामीर गुम्बद का हुक्म दिया, और फिर जिसको आपसे एक दफा अकीदत हो जाए वो फिर आपका ही होके रह जाता है। इस तरह बयान किया जाता है कि बेगम राव इम्तियाज अली खान सकना गार्डन टाउन लाहौर को जब कोई दुनियावी मसला दरपेश हुआ, मसलन बच्चियों के मुनासिब रिश्ते का मसला या मकान की मलकियत के मुकदमे, तो उन्होंने हाजरे दरबार होकर सिर्फ एक बार ही सवाल किया तो हजरत की दुआ बरकत की वजह से फिल फौर मसला हस्बे ख्वाहिश हल भी हो गया। इसी तरह सरदार अली अहमद खान अलफता गार्डन टाउन लाहौर का बयान है कि एक मरतबा रात के वक्त सन 1920 माह दिसंबर को नमाज इशा के कोई एक घंटा बाद मैं हाजरे दरबार हुआ और फातिहा खानी के बाद वहां मुराकब भी हो गया। वहां पहले से एक बारिश बुजुर्ग तलावत कलाम पाक कर रहे थे। जब वो खड़े हुए तो उनका कद गैर मामूली तौर पर दराज दिखाई दिया, लेकिन खिड़की से गुजरते वक्त उनका कद 5-6 साला बच्चे के कद के बराबर हो गया। फरमाते हैं, मुझ पर इस मुशाहिदा से काफी हैबत तारी हुई। मजार शरीफ के बाहर निकलकर देखा तो वो बारिश बुजुर्ग गायब थे और उनका दूर दूर तक नामो निशान ना था। फरमाते हैं, मैंने अगले रोज सुबह इस वाक्य का तज़किरा हजरत हकीम मोहम्मद रूहुल्लाह कादरी अल मतवफ़ी सन 1927 से किया तो उन्होंने फरमाया कि वो बारिश बुजुर्ग जिन्नात में से कोई होगा, और मुझे ताकीद की कि हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ईशान रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी के मज़ारात पर ईशा के बाद हाजिरी ना दिया करें। कुछ इस किस्म की कैफियत हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक वाक़या रवां पर भी देखने में आई है। वहाँ पर भी अक्सर मर्दाने गैब और जिन्नात हाजिरी देते हैं। इसी तरह बयान किया जाता है कि हजरत शाह जमाल के विसाल को 30 साल गुजर चुके थे। आपके मकबरा पर हजारों की तादाद में रोटियां तकसीम की जाती हैं, लंगर का वाफर इंतजाम है और हर शख्स जी भर कर खाना खाता है और दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत होता है। बयान किया जाता है कि आपके रोजा आलिया पर एक हिंदू मुंह फट फकीर भी आ गया। कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है। लांगरियों ने उन्हें 2 घी वाली रोटियां अनायत की। उसने लांगरी से कहा, तुम अजीब आदमी हो, बेकफन ही रोटियां दे रहे हो, यानी बगैर सालन के। सजादा नशीन भी वहां पर मौजूद थे। कहने लगे कि जो था तुमको दे दिया, अब तुम जाओ। कहने लगा, अजीब बात है, मैंने तो सुना है कि हजरत के मज़ार पर जो भी आता है पेट भर के खाना खाता और जाता है। ये क्या बात हुई कि मुझे सिर्फ 2 रोटियां ही दी गई हैं और साथ कुछ ना दिया गया, गोया ये रोटियां भी बेकफन हैं। सजादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से निकल पड़ा, अच्छा तुम्हें कफन भी मिल जाएगा। कहा जाता है कि उसी रात उस पर कपकपी तारी हुई और इस कदर तबीयत नासाज हुई कि वहीं मर गया, और उसी शख्स को उसी रात कफन भी मिल गया। नहीं जानता था कि औलिया अल्लाह की शान क्या होती है। नाज़रीन इकराम,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।